आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज की एक शॉर्ट स्टोरी द राजास एमेलेंट। ये कहानी पब्लिश हुई थी 1926 में और इसके हीरो का नाम है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड इन्होंने इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट का नाम रखा है। तो सुनते हैं ये इंटरेस्टिंग सी कहानी अगाथा क्रिस्टी की मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब जेम्स को एक किताब मिलती है जिसका नाम था कि कैसे आप अपनी सैलरी को 300 पाउंड तक बढ़ा सकते हैं एक साल में, और सिर्फ एक सेंट की वो किताब थी। उस किताब के कुछ पन्ने पढ़ने पर ही इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। ये किताब जो थी इसने जेम्स के मस्तिष्क पे बहुत गहरी छाप छोड़ी। उसने बहुत कुछ सीख लिया इस किताब के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ के ही। पहली बात तो ये किताब ये बताती थी कि कभी कभी आपको फ्रैंक होना चाहिए और कभी कभी आपको बिल्कुल पॉइज एकदम सीरियस होकर किसी बात के बारे में विचार करना चाहिए। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग मैन जो होता है अगर वो किसी ख़राब सिचुएशन में फंस जाता है तो वो इस सिचुएशन का विक्टिम नहीं बनता, बल्कि उस सिचुएशन पे वो अपनी कमांड रखता है और उस सिचुएशन से बाहर निकलता है। ये सब बातें पढ़ के जेम्स के मन में बहुत से विचार आने लगते हैं। दरअसल जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ एक हॉलिडे पे आया था। वो सोचता है कि आखिर वो इस जगह हॉलिडे पे क्यों आया है। वो एक सी बीच के किनारे का एरिया था जो बहुत ही पॉश, बहुत ही अमीर लोगों के लिए था। वो कभी भी इस तरह से पैसे नहीं लुटाता था इतनी फैंसी जगह पे रुके, लेकिन ग्रेस ने उसे बार बार ज़िद की कि वो चले यहाँ पर घूमने के लिए, और किम्पटन ऑन सी नाम की जगह पर वो आया हुआ था। हालांकि ग्रेस जो थी वो जेम्स से ज़्यादा अच्छा अर्न करती थी, इसीलिए वो जाकर बहुत बड़े से एक स्प्लेंडेड होटल में रुकी थी, जबकि जेम्स जो था वो अपने जेब के हिसाब से छोटी जगह पे रुका हुआ था। जेम्स सोचता है कि जैसे वो एक विक्टिम बन गया था ग्रेस का, ग्रेस ने उससे जिद की कि इतनी फैंसी जगह पे चले, अपने पैसे खर्च करे और वहाँ पे रुके। उसे लगता है कि उसे ग्रेस ने बेवकूफ़ बनाया। ग्रेस जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेंडेड होटल में रुकी है और वहाँ पर कई उसके दोस्त भी बन चुके हैं। वहीं पर एक पैलेस है जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का है, उसका नाम है लॉर्ड एडवर्ड कैंपियन, और साथ ही में उस पैलेस से लगा हुआ एक बहुत ही स्प्लेंडेड सा गेस्ट हाउस है जहाँ पर इस समय इंडिया के एक राजा, राजा ऑफ मराप्पुतना रुके हुए हैं। राजा ऑफ मराप्पुतना जो हैं उनके पास एक बहुत बड़ा सा पन्ना है। ये पन्ना इतना बड़ा है कि कहते हैं कबूतर के अंडे के बराबर है। बहुत ही वैल्यूएबल है, पता नहीं उसकी कीमत कितनी होगी, कितने हज़ार लाख पाउंड्स होंगे, कोई नहीं जानता। बार बार ये जो जेम्स है उस पन्ने के बारे में सोचता है कि क्या सच में वो अंडे के बराबर होगा या फिर सिर्फ उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। इधर ग्रेस की दोस्ती हो जाती है एक सॉफ्टवेयर नाम के फैमिली से। उसमें उसकी फ्रेंड है क्लारा, एलिस, डोरोथी और साथ में उनका भाई क्लॉड भी है। क्लॉड जिसे जेम्स बहुत पसंद नहीं कर रहा क्योंकि वह फ्लर्ट करता रहता है उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस के साथ। ये सारे ग्रुप बना के हर जगह घूमते फिरते हैं, स्प्लेंडेड होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, और बेचारा जेम्स अकेला छूट जाता है। जब भी ग्रेस जेम्स को देखती है तो कहती है कि क्यों नहीं तुम अच्छे से ड्रेसअप होते हो, देखो क्लॉड कितने अच्छे कपड़े पहनता है। लेकिन क्लॉड जिस तरह के कपड़े पहनता है वो बहुत ही हास्यास्पद हैं। जेम्स को उसके कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इतने सफ़ेद कपड़े वो पहने रहता है। जेम्स बार बार सोचता है कि अगर कहीं से भी कोई चिड़िया इसके ऊपर बीट कर दे तो कैसा रहेगा, क्या खिल्ली उड़ेगी उसकी। और बार बार जेम्स कहता है ग्रेस से कि कपड़े एक आदमी की डिग्निटी को डिज़ाइन असाइन नहीं करते हैं, कपड़ों से ही आदमी की पहचान नहीं होती, लेकिन ग्रेस को कोई भी समझा नहीं सकता। ग्रेस कहती है जेम्स से कि क्या वह उसके कहने पे स्विम करने के लिए सी बीच पे आ सकता है, उसे बहुत खुशी होगी। जेम्स चला जाता है उसके कहने पर दिन में वहाँ सी बीच के किनारे। अब यहाँ जो सी बीच है उसका पानी बहुत ठंडा है। जब जेम्स वहाँ पे जाता है कुछ पैसे वो पे करता है और देखता है कि वहाँ तो बहुत लंबी लाइन है लोगों की, छोटे छोटे से टेंट्स बने हुए हैं, वहाँ अपने कपड़े चेंज करते हैं लोग, ऑफिस स्विम करने के लिए जाते हैं, लेकिन उन टेंट्स में जाने के लिए भी बहुत लंबी कतार है। वहीं आगे लाइन से कुछ हट्स बनी हुई हैं जहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जो बिल्कुल अलग से एक जगह है और वहाँ पर कोई लाइन नहीं है। मालूम पड़ता है ये जो हट्स हैं ये बहुत महंगी हैं और सिर्फ अमीर लोग ही इन्हें
खरीद सकते हैं या किराए पे ले सकते हैं। जेम्स को बहुत गुस्सा आता है कि देखो यहाँ पर भी जहाँ एंजॉयमेंट की जगह है, पिकनिक की जगह है, वहाँ पर भी अमीरी और गरीबी कैसे डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं अमीर गरीब से। चुपचाप से टहलते हुए जेम्स हट के पास जाता है। सारी हट जो थी उनके आगे बड़ा फैंसी से नेम्स लिखे हुए थे और उनके अंदर से लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। तभी जेम्स को एक हट दिखाई देती है जो उसी स्पोर्ट्स पर्सन की है जिनका पैलेस है वहाँ पर, लॉर्ड एडवर्ड कैंपिन की। वो हट खुली हुई होती है और शायद उसके अंदर कोई नहीं। जेम्स उसके अंदर घुसता है, देखता है वो हट जो है, वो रूम जो है बिल्कुल खाली पड़ा है और वहाँ पे एक तरफ लड़कियों के कपड़े टंगे हैं और एक तरफ ट्राउज़र्स टंगे हुए हैं, शर्ट्स टंगी हैं। ये समझ जाता है कि अच्छा यहाँ पर चेंज करके ये स्विम करने के लिए जा सकता है। ये अनड्रेस करता है अपने आप को, अपने कपड़े वहीं पे हुक पे टांगता है। तभी इसे ग्रेस की बहुत तेज़ से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जो उसकी फ्रेंड्स थी और जो क्लॉट था वो सब हंस रहे होते हैं उसके ऊपर। दरअसल जो भी समुद्र के पानी में जाता है इतना चिलिंग वाटर होता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है, हाथ पैर एकदम ठंड होके अकड़ जाते हैं। यही हुआ था ग्रेस के साथ। ग्रेस की हेल्प करने के लिए जल्दी से जेम्स पानी में कूद जाता है और ग्रेस को बाहर निकाल के ले आता है। ग्रेस बहुत थैंकफुल होती है जेम्स की और कहती है कि वो लोग बहुत ही फैंसी से रेस्टोरेंट में लंच लेने जा रहे हैं, तो अगर जेम्स चाहे तो उन्हें वहाँ ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हाँ वो अच्छे कपड़े पहन कर आए। ये बात सुनते ही जेम्स का मुंह फिर से लटक जाता है। वो सोचता है कि ग्रेस क्या उससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसका पैसे से स्टेटस देखती है और वो चाहती है कि वो बहुत ही फैंसी तरीके से ड्रेसअप होकर आए। जेम्स मन ही मन सोच लेता है कि वो वहाँ पर नहीं जाएगा। ये फिर से उसे हट में जाता है और ये अपनी शर्ट पहन ही रहा होता है, तभी इसे आहट लगती है कुछ लड़कियों की जो उस हट के बाहर आ चुकी हैं और शायद वो अंदर आने वाली हैं। ये घबरा जाता है, ये समझ नहीं पाता कि अब क्या करें, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, शायद उसे पुलिस में भी पकड़ाया जाए कि वह चोरी छुपे किसी और की हट में घुस गया था। ये भाग के जाता है और दरवाजे का नॉब खूब कस के अंदर से पकड़ लेता है। लड़कियां बाहर से जब नॉब घुमाती हैं तो उन्हें लगता है कि ये हट अंदर से लॉक्ड, बाहर से ही लॉक्ड है। तो वो कहती हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हट लॉक्ड है, अब तो हमें इसकी चाबी लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा। सारी वहां से चली जाती हैं। तब जेम्स जल्दी से कपड़े पहन के हट को खोल के वहां से भागता है और एक ऐसे चीप से रेस्टोरेंट में जाके लंच लेने लगता है। उसे बार बार ग्रेस की याद आ रही थी। फिर वो पॉकेट में हाथ डालता है अपनी हैंकी निकालने के लिए, तभी उसके हाथ जाता है एक पत्थर के ऊपर। तो वो सोचता है कि उसने तो अपनी पैंट्स में कभी भी कोई पत्थर नहीं रखा था। वह पत्थर बाहर निकालता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। दरअसल उसी राजा का वो पन्ने वाला पत्थर होता है, मेलेंड होता है, जो पेपर्स में भी आता था कि जो राजा आए हैं इंडिया से उनके पास बहुत बड़ा सा स्टोन है। उसकी चमक देख के ही जेम्स समझ जाता है कि ये असली पन्ना है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी थी उसमें और बहुत सुंदर हल्के हरे रंग का था। ये मुट्ठी में जल्दी से पत्थर बंद कर लेता है कि कोई उसे देख ना पाए। तभी ये सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी चोरी का इल्ज़ाम उसके ऊपर लग जाएगा। हो सकता है पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन चलाए और उसके पास ये पत्थर मिल जाए। वो सोचता है कि इसके पहले कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगे, जल्दी से जाके उस राजा को वो पत्थर वापस कर देगा। लेकिन क्या बताएगा, अगर ये बताएगा कि चुपचाप से वो अमीर लोगों की हट में घुस गया था तो फिर भी उसे सजा होगी। फिर ये सोचता है जेम्स कि चलो मैं पार्सल कर देता हूँ पत्थर। फिर उसे वो डिटेक्टिव्स कहानियाँ याद आती हैं कि पार्सल करने वाले का नाम पता बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या करें। फिर अंततः ये पक्का करता है कि उसी हट में ये फिर से जाएगा और गलती से इसने किसी और की ग्रे कलर की पैंट पहन ली है। वहाँ शायद एक और पैंट थी जो उसके ट्राउज़र्स के दोनों के कलर सेम थे, तो वो सोचता है कि वो अपनी पैंट वहाँ से पहन लेगा। अभी थोड़ी ही देर हुई है इसे वहाँ से आए हुए, और फिर ये उस पैंट में वैसे ही पत्थर टंगे टंगे वहाँ पर रखाएगा, जिसका भी वो पत्थर जैसे भी उसने राजा ने वहाँ पर रखा है वो उसे मिल जाएगा। लेकिन फिर उसे लगता है कि इतना कीमती पत्थर आखिर पैंट में डाल के राजा क्यों छोड़ेंगे, और वो पैंट भी राजा की नहीं थी, राजा पैंट्स नहीं पहनते, वो तो राजसी कपड़े पहनते हैं। इसे कुछ समझ में नहीं आता तो ये डिसाइड करता है कि ये इस बला से छुटकारा पाएगा और जाके उसी हट में इस पैंट को उस पत्थर के संग छोड़ाएगा। हट अभी भी खाली थी और खुली हुई थी। ये अंदर जाता है, वो अपने कपड़े फिर से उतार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी घुसता है और कहता है तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। जेम्स उसे पूछता है कि तुम कौन हो। अभी तक जेम्स ने वह पत्थर अपनी पैंट से निकाला नहीं होता। उस आदमी को ये नहीं पता कि जेम्स के पास अभी वह पत्थर मौजूद है। तो वह आदमी कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव हूँ और मेरा नाम मेरिलीज़ है और मुझे राजा ने हायर किया है इस पत्थर की चोरी के लिए। मैं जानता था कि तुम यहाँ पर यह पत्थर चुराने आए हो।
अब समझ नहीं आता है जेम्स को कि वो क्या करे। वो कहता है कि ठीक है, तुमने सही गेस कर लिया है कि मैं पत्थर चुराने आया था, लेकिन मैं तो पत्थर थोड़ी देर पहले ही चोरी करके जा चुका और अपने घर पे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, जिस होटल में, वहाँ मैंने उस पत्थर को रख दिया है। मैं तो दोबारा चोरी करने के इरादे से आया था कि शायद मुझे कुछ फिर से बहुमूल्य चीज़ मिल जाए। मेरा लीज कहता है ठीक है, तुम मेरे संग अपने होटल चलो, मैं तुरंत वहाँ से पत्थर लेकर आऊँगा और राजा को दे दूँगा। जेम्स कहता है मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम एक डिटेक्टिव हो। तो वो एक बैच निकालता है, उसको दिखाता है, कहता है देखो मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मेरा नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। जेम्स असमंजस में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये डिटेक्टिव जो है अब उसे लंबा फंसाएगा, ये तो बताएगा कि इसने चोरी की थी, और किसी तरह भी जेम्स अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पड़ता है जब इन लोग जा रहे होते हैं होटल की तरफ, तो रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है। वहाँ जाते ही जब पास से निकल रहा है जेम्स, तो उसके दिमाग में खुराफात आती है। ये तेज़ी से चिल्लाता है चोर चोर चोर, तो ये हड़बड़ा जाता है जो मैं रिलीज़ होता है कि क्या हो गया। पुलिस वहाँ पे जो बाहर खड़ी थी वो जल्दी से आके इन दोनों को पकड़ लेती है। जेम्स कहता है देखो देखो ये जो आदमी है ये चोर है, और इसने अभी कुछ मेरी पैंट से निकाल के अपनी जेब में डाला है, मैं ये पक्के तौर से कह सकता हूँ। पुलिस कहती है कि आखिर क्या चुराया है इस आदमी ने तुम्हारा। तो कहता है जेम्स कि मेरे पास छोटी सी किताब है कि आप कैसे एक साल में अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, मुझे लग रहा है कि इसने अभी मेरे पॉकेट से निकाल के अपने पॉकेट में रख ली है। पुलिस उन दोनों को अंदर ले जाती है और मैरिलीज के पॉकेट्स चेक किए जाते हैं। उसकी राइट पॉकेट से वो किताब निकलती है और साथ ही निकलता है वो पन्ने का वो स्टोन, वो एमलैंड जो बड़ा सा था राजा का, वो मिलता है उसके पॉकेट से। उसे देखते ही मैरिलीज चौंक जाता है। ये कहता है ये आदमी मुझे फंसा रहा है, ना मैंने इसकी किताब चुराई थी और ना ही मैंने ये पत्थर चुराया है, ये पत्थर तो इसके पास था। मैं तो एक डिटेक्टिव हूँ, मैं तो इससे वो पत्थर लेने के लिए इसके होटल जा रहा था और इसने रास्ते में कुछ ऐसी कहानी बुन के मुझे फंसा दिया। जेम्स कहता है कि नहीं नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं भला अगर पत्थर चुराता तो वो पत्थर इसे वापस क्यों कर देता इस तरह से, मैं तो पत्थर लेके कहीं रवाना हो चुका होता। पुलिस को भी लगता है कि अगर सच में जेम्स के पास पत्थर होता तो वो इतना बेशकीमती पत्थर चुपचाप से मैरिलीज़ के पॉकेट में क्यों डालता। मैरिलीज़ फंस जाता है चोरी के इल्ज़ाम में कि उसने बुक तो चुराई चुराई, साथ में राजा का जो स्टोन मिसिंग था जिसके लिए राजा ने कंप्लेन तक कर दी थी तुरंत फाइल, वो इसके पास से ही निकला। अब बुलाया जाता है उन राजा को और वो स्पोर्ट्स पर्सन जो थे जिनके हट से वो चोरी हुआ था, वो जो था एमलैंड, उनको भी बुलाया जाता है, लॉर्ड एडवर्ड को। लॉर्ड एडवर्ड जैसे ही आते हैं पुलिस स्टेशन, वो तुरंत मैरिलीज को पहचान लेते हैं। कहते हैं अरे ये तो मेरे यहाँ सर्वेंट है 5 महीनों से, ये तो मेरी सारी गतिविधियों के बारे में जानता है। मालूम पड़ता है कि वो स्टोन उन्हीं के पास से निकला है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैरिलीज को मालूम था कि मैं जब फिशिंग करने जाता हूँ तो हमेशा पुराने कपड़े पहन के जाता हूँ, और उस दिन मेरे पास ये स्टोन था जो मैं अपनी कुछ गर्लफ्रेंड्स को दिखाना चाहता था, शायद इसे ये भनक लग गई थी और इसने वो मेरी पैंट से निकाल लिया जब मैं स्विमिंग करने के लिए गया हुआ था। मैरिलीज बुरी तरह फंस जाता है और उसे जेल हो जाती है, और जेम्स को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं कि अरे तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। राजा उसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत खुशी होगी अगर वो लंच उनके साथ करे। जेम्स ने उस किताब से जो पढ़ा था, जो सीखा था कि अगर आप किसी खराब सिचुएशन में फंस जाएं तो कभी विक्टिम ना बने उसकी, उस सिचुएशन को कमांड करें, और उसी किताब ने एक तरह से जेम्स को बचा लिया। सब जगह जेम्स की बहुत तारीफ होती है कि ऐसे इसने बहादुरी से मैरिलीज को पकड़ाया है, और वो राजा और वो जो स्पोर्ट्स पर्सन थे लॉर्ड एडवर्ड उनके संग लंच करने के लिए बाहर निकलता है। तभी सामने से ग्रेस अपने पूरे फ्रेंड्स और क्लॉट के संग चली जा रही होती उस फैंसी से रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। ग्रेस जब देखती है जेम्स को तो कहती है कि क्या अभी भी समय है, तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन कपड़े तो तुमने अभी भी ख़राब पहने हैं। जेम्स कहता है तुम वो सामने देख रही हो आदमी को, उसने मेरे ट्राउज़र्स पहने हुए हैं, वही ग्रे ट्राउज़र्स जिनसे तुम बहुत चिढ़ती थी, और वो पता है कौन है। ग्रेस को नहीं मालूम होता, कहता है ये वही पैलेस है जो बहुत फेमस पैलेस है यहाँ का, और उसके मालिक हैं लॉर्ड एडवर्ड कैंपियन। कपड़ों से किसी की पहचान नहीं होती, और मैं उनके और राजा जो आए हैं इंडिया के उनके साथ जा रहा हूँ आज लंच करने के लिए। गर्व से अपना सर ऊंचा करके जेम्स उनके साथ चल देता है, और ग्रेस देखती रह जाती है कि किस हीरे को उसने खोया है। कहानी छोटी थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें इंटरेस्टिंग कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।